क्वेश्चन 1.8 देखो बच्चों, कहता है दो पॉइंट चार्जेस है अपने पास क्यू ए और क्यू बी, वैल्यूज दोनों के पास सेम है, बस यहाँ माइनस का साइन है, माइक्रो में है और लोकेटेड 20 है, और वैक्यूम की बात करिए मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे, और ये मिड पॉइंट पे होगा ए बी जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्ज की। तो अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं पहले, कोशिश करें अपन डायग्राम हमेशा बनाएं, ये हो गया ए ये हो गया बी। नए पॉइंट को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज को बिठाना होता है। देखो ये प्लस का चार्ज है, इसकी वजह से राइट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका नाम हो जाएगा ए, और ये नेगेटिव है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी उसका नाम हो जाएगा बी। ये पूरी की पूरी सेपरेशन बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना हो जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट से, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अपन ए पार्ट को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट ए ये हो जाएगा ई ऑफ नेट, इसका सीधा आंसर हो जाएगा ई ऑफ ए प्लस ऑफ ई ऑफ बी। तो ई ऑफ ए को अपन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, चार्ज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। ए पे चाहिए तो जो चार्ज होता है ना सोर्स चार्ज वही ले लेते हैं अपन, के वैक्यूम में पूछा है ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए आप 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट चार्ज विच इज 3, माइक्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइनस में 6। ठीक है, आर का मीनिंग यहाँ पे देखो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही लेना है अपन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 कर लो और एक और बार लिख लो 0.1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 27 × 3 और 5 × 10⁵ आएगा, जिसको अच्छे से लिख लो आप लोग 2.7 × 10⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम में आ गया आंसर। इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है बी के लिए, क्योंकि अपन को पता है कि डिस्टेंस वगैरह सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तक सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए का आंसर है ना बच्चों वही सिमिलरली लिख के आप लोग बी के लिए भी लिख सकते हो। सिमिलरली ये हो जाएगा 2.7 × 10⁶, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर दोनों को सम करके मिल जाएगा। तो नेट फील्ड कितनी आ रही है, देखो फॉर्मूला अपन ने डिराइव लिख रखा है पहले ही, दोनों का सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁶ प्लस ऑफ 2.7 × 10⁶। ठीक है, ये आ रहा है अपना 5.4 और 10⁶ ही रहेगा, न्यूटन पर कूलम में आंसर आना चाहिए, ये अपना फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट कहता है कि मान लो कि नेगेटिव का एक चार्ज लाके रख दिया है, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ। इस सेम फिनोमिना में अगर सेंटर पे कोई नेगेटिव का चार्ज आके रखा गया तो क्या होगा उसके साथ, डायग्राम देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन करने लग जाएगा और ये अब रिपल्शन करने लग जाएगा, लेकिन फील्ड तो उतनी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो आप सेकंड पार्ट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे फोर्स जो नेट होता है ना वो प्यारे बच्चों होता है क्यू टाइम्स ऑफ ई, और ये वाला जो चार्ज होगा वो टेस्ट वाला होता है, ये वेक्टर हो गया, यहाँ पे वेक्टर हो गया, इसके नीचे भी नेट लिख दो। ठीक है, चार्ज की वैल्यूज क्या है, गिवन है अपन को माइनस में 1.5, 10⁻⁹ और फील्ड का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 5.4 है और 10⁻ पॉजिटिव में है। इसे सॉल्व कर लो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.1 × 10⁻³ और फोर्स है ना बच्चों तो यहाँ पे न्यूटन आना चाहिए और एक माइनस का साइन और लगा लो। ठीक है, माइनस साइन क्या कर रहा है यहाँ पे ये अपन देखते हैं, तो जो फोर्स होगा वो ओ ए के डायरेक्शन में लगेगा। सोचो आप लोग राइट डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और चार्ज अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का रख दूंगा तो फोर्स कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा, और ये सेम डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, अगर ये ए लिखा है ये बी लिखा है सेंटर पे ओ है तो किस डायरेक्शन में होगा, ओ ए के डायरेक्शन में होगा, वही कह रहा है ये, दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसको बी पे मिलेगा रिपल्शन, ए पे मिलेगा अट्रैक्शन, मैंने यहाँ समझाया था अभी आपको। तो इतना फोर्स पड़ रहा है बच्चों अलोंग ओए, और ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का। ओके बच्चों,